वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। डिवीजन रिंग क्या है? डिवीजन रिंग या फिर उसको हम स्क्यू फील्ड बोलते हैं। डिवीजन रिंग एंड स्क्यू फील्ड, तो रिंग को ही हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं और डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड को बनाते हैं। तो डिवीजन रिंग अपने आप में पहले तो एक रिंग होनी चाहिए और उसी रिंग में कुछ खास प्रॉपर्टीज हमने और इंट्रोड्यूस की, तो हमने उसको डिविजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड बोला। तो मैंने कहा कि R प्लस कॉमा डॉट से हम रिंग को लिखते हैं, और अभी आपने कहा कि रिंग के अंदर टोटल 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, 5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड 3 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बट मैं कहूं कि अगर रिंग जो है ना वो एक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी बन जाए, ठीक है, रिंग फॉर्म्स अ ग्रुप, रिंग फॉर्म्स अ ग्रुप, और कैसा? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वाला, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वाला, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ये ऑलरेडी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर ही रही है। तो अभी हमने कहा कि अगर ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी एक ग्रुप बन जाए तो इस रिंग को आप स्क्यू फील्ड बोल सकते हो। तो अब कुल मिला के कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, दैट इज द मेन पॉइंट, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज विल बी इन द डिवीजन रिंग। तो रिंग के पास तो हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज थी, और कुछ थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के में और कुछ थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के। तो एडिशन वाली सबको याद होंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी इसमें रहेंगी। रिंग वर्ड यूज किया है कि रिंग एक मल्टीप्लिकेशन ग्रुप के रिस्पेक्ट में बने, तो इसका मतलब ये जो रिंग की प्रॉपर्टीज हैं 8 मेरे पास, ये तो होनी ही होनी है, ये कहीं नहीं जाएंगी। ओके, तो ये मेरे पास क्या आई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये थी मेरे पास एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात कर रहा हूं मैं, ओके, और यहां थी मेरे पास आइडेंटिटी, और यहां था मेरे पास इनवर्स, एंड देन ये थी मेरे पास कम्यूटेटिव। ओके, सिमिलरली यहां पे था मेरे पास क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और यहां थी मेरे पास एसोसिएटिव, और यहां थी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब इसको ग्रुप बनाना है तो यहां पे मुझे दो प्रॉपर्टीज ऑर्डर लगानी होगी। पहली देखो, ग्रुप के पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, उन 4 में से ये 2 तो आ गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की, 2 और चाहिए मुझे, कौन सी? एक चाहिए आइडेंटिटी और एक चाहिए मुझे क्या, इनवर्स। ओके, अब ये प्रॉपर्टीज आप सभी को अच्छे से फैमिलियर हैं इनके साथ, मुझे लगता है कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो यहां पे टोटल जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं 5 तो ये होंगी, और जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की है टोटल 5 ही होंगी, और टोटल होगी बच्चों 10 प्रॉपर्टीज। तो जो 10 प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज मिलके बनाती हैं एक डिविजन रिंग को, एक स्क्यू फील्ड को। तो रिंग के पास 8 प्रॉपर्टीज थी और इंटीग्रल डोमेन के पास 9 प्रॉपर्टीज थी, और जब हमने स्क्यू फील्ड बनाया, जब हमने डिविजन रिंग बनाया, तो उसके पास टोटल 10 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, और 2 नई प्रॉपर्टीज हमने इंट्रोड्यूस की, एक आइडेंटिटी और एक इनवर्स। यानी कि जो डिविजन रिंग होती है वो एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ग्रुप होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी एक ग्रुप बन जाता है। तो डिविजन रिंग इज अ रिंग विच इज अ मल्टीप्लीकेटिव एंड एडिटिव ग्रुप आल्सो। ओके, बाकी प्रॉपर्टीज आई होप सो कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है कि क्या कैसे ओपन करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि वी शुड वेस्ट एनी टाइम टू एक्सपेंड ऑल दिस प्रॉपर्टीज। चलिए इसके बाद बात करते हैं फील्ड, और उसके बाद बात करेंगे एक्सटेंशन फील्ड के बारे में।